तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप सेल्फ केवाईसी कैसे कर सकते हैं और बिना फिंगर वाला सिस्टम अब हो गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि फ्रेश वीडियो साफ साफ दिख सके। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर एल पर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पे नियरबाय ओपन करना है सबसे पहले, उसके बाद 3 माइनस लाइन ऊपर में दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको नाम के सामने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको प्रोफाइल डिटेल आ जाएगा, यानी शॉप डिटेल आ जाएगा। उसके बगल में आपको बता दूं कि केवाईसी ऑप्शन से दिख रहा है, आपको फिर केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। केवाईसी ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस है। जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वेरीफाइड का ऑप्शन है, वेरीफाइड केवाईसी, ई केवाईसी एक्टिव है YVL, ई केवाईसी पेंडिंग है जिसे हमको अभी एक्टिव करना है। ई केवाईसी एक्टिवेट करने के लिए हम अभी प्रोसेस करेंगे। PNB केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है। आप देख सकते हैं डू सेल्फ केवाईसी का मतलब है कि आप खुद से केवाईसी कर सकते हैं बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट किए। बगल में डू कंपनी केवाईसी है और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टेक्ट करके करा सकते हैं, लेकिन हम अभी प्रोसेस करेंगे डू सेल्फ केवाईसी, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूटर से कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर हमें हमारे पास का नहीं है और हमें किसी से लेना देना नहीं है, तो हम सेल्फ यानी खुद से करना चाहते हैं बिना किसी को कहे सुने, तो उसके लिए सेल्फ केवाईसी करना होगा। तो डू सेल्फ केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं। आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, डू सेल्फ केवाईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका शॉप का डिटेल आ जाएगा और आपका लोकेशन भी शो कर जाएगा, कहाँ आपका लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको शॉप एड्रेस प्रूफ टाइप, यानी कि आपको आधार कार्ड अपना देना होगा, आधार नंबर और आधार कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो। तो सबसे पहले यहाँ मैंने अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, आधार नंबर जिस रिटेलर के नाम से। उसके बाद टेक पिक्चर आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो टेक फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद कैमरा का ऑप्शन पे आप क्लिक करके कैमरा से भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फाइल में भी आपका पहले से फ़ोटो हो तो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे होगा कि आप अपने मोबाइल में पहले से अगर फ़ोटो रखे हुए हैं तो वो फ़ोटो को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमने फ्रंट साइड वाला यानी आगे साइड वाला आधार कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट किया और फुल फ़ोटो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। फुल फ़ोटो क्रॉप कर लेते हैं और इसको करना क्या है, ऊपर से रोटेज करना है, तो रोटेज भी कर लीजिएगा सीधा। तो मेरा सही है, तो मैं क्रॉप पे क्लिक किया और ये अपलोडिंग स्टार्ट यानी अपलोड ये हो जाएगा, ये लोडिंग हो रहा है। और इसके बाद आप टेक पिक्चर ऑफ बैक साइड यानी बैक साइड का आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। तो फिर से हम क्लिक करेंगे सेम उसी तरह, टेक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया कैमरा का, और यहाँ फिर से हम फाइल में गए। आप कैमरा से भी फ़ोटो खींच सकते हैं अगर फाइल में ना हो तो। बैक साइड का सेलेक्ट किया और क्रॉप फुल साइज में कर लिया हूँ, और यहाँ फिर हम क्लिक कर देंगे ऊपर क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं, लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के आपको कुछ ही सेकंड बाद आपको फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से बहुत ही आसान होता है। आपको आधार कार्ड का पूरा डिटेल शो कर दिया नीचे, योर एड्रेस फ्रॉम आधार कार्ड। ठीक है, आधार डिटेल पूरा शो कर दिया। अब कंप्लीट केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ टेक पिक्चर रिटेलर यानी जिनके नाम से, जिनके आधार कार्ड से रिटेलर आईडी चल रहा है, उनका आप फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ टेक पे क्लिक किए तो कैमरा ओपन हुआ और फ्रंट बैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ फ्लिप करना है यानी आपको आँख के पलक का झपकाना, अप डाउन करना आँख, उसके बाद ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा फ़ोटो, लोडिंग लेगा। और यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं कितना फ़ोटो इसमें देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ क्रॉप करके। आप ऊपर क्रॉप पे क्लिक किया और सबमिट करने का ऑप्शन दे दिया। अगर फ़ोटो फ्रेश ना है तो दोबारा रिटेक भी कर सकते हैं, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि फ़ोटो मेरा फ्रेश है। ठीक है, तो अब सबमिट पे क्लिक किया हूँ और अब यहाँ जो है प्लीज वेटिंग यानी प्लीज वेट, कुछ ही सेकंड तक हमें इंतज़ार करना है। और यहाँ से ऑटोमेटिक केवाईसी सक्सेसफुल का हमें एक मैसेज आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर में ऐसा प्रोसेस हो जाता है आसानी से, बिल्कुल आसान है। बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट किया आप यहाँ से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो कि 1-2 सेकेंड के अंदर अंदर में यह मैसेज आ जाता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, यानी कि आपको केवाईसी सक्सेसफुल का यहाँ एक मैसेज मिल गया है। आप आसानी से अब आप यूज कर सकते हैं, अब आपका ई केवाईसी भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम प्रोफाइल पे क्लिक किया और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि हमारा PNB केवाईसी जो है एक्टिव हो गया है, लेकिन ई केवाईसी पेंडिंग है। तो ई केवाईसी पेंडिंग है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि PNB केवाईसी खास होता है। PNB मेरा एक्टिव हो गया है, ई केवाईसी YVL वो भी एक्टिव है,
तो अब ई केवाईसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ना भी कराते हैं ई केवाईसी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से हम पे नियरबाई या पूरा सर्विस यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के कोई और भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा हेल्पफुल। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो प्रचार आएगा वो भी ऐड पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो इनकम होता है लास्ट जो प्रचार चलता है उसी प्रचार वाले पैसा ही इनकम दे रहा है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो।